दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत काल में एक बार भगवान शिव और अर्जुन का बड़ा ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। तब अर्जुन देवी अस्त्रों के अलावा भी ऐसी मानवीय शक्तियों से परिचित हुए थे जिन्हें जाने बिना कोई भी मनुष्य सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता था। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे घटित हुआ था और वे मानवीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। अभी पांडवों का वनवास काल चल रहा था, लेकिन जल्दी ही महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला था। इसी संदर्भ में अर्जुन केशव के कहने पर महादेव की बड़ी ही उग्र तपस्या कर रहे थे। उनका उद्देश्य था देवादि देव महादेव से विनाशकारी अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना। इस दौरान वे 6-6 दिनों के अंतराल में केवल सूखे पत्तों का ही सेवन करते हुए दिन रात तपश्चर्या में लीन रहते थे। इस प्रकार से समय यूं ही बीतता चला गया कि तभी अचानक से एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की समाधि भंग हुई। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि उत्तर काशी क्षेत्र स्थित इंद्रकील पर्वत के जंगलों में अर्जुन उनकी घनघोर से घनघोर तपस्या कर रहे हैं। तत्पश्चात महादेव ने सोचा कि क्यों न चलकर अर्जुन को आशीर्वाद दे दिया जाए। बस फिर क्या था, वे अर्जुन के निकट पहुंचे। परंतु इससे पहले कि वे अर्जुन को दर्शन देते, उन्होंने देखा एक मायावी जंगली पशु का वेश धारण कर अर्जुन के प्राण हरने आया है। उधर अर्जुन को भी खतरे का आभास हो गया। अब जैसे ही मायावी अर्जुन पर झपटा, पवन वेग से अर्जुन के तीर ने उससे प्राण हर लिए। परंतु तभी अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उस मायावी के शरीर में 2 तीर धंसे थे और इसका अर्थ स्पष्ट था, वहां पर उनके अलावा भी कोई और था और उसने भी उसी क्षण तीर दागा था जिस क्षण अर्जुन ने प्रहार किया था। तभी अर्जुन ने देखा एक किरात उनके सामने खड़ा था जो उस मायावी को अपना शिकार बता रहा था। इस पर अर्जुन ने कहा, क्षमा कीजिए मान्यवर, किंतु आप गलत कह रहे हैं, कदाचित आपको भ्रम हुआ है। असल में इस पशु ने प्राण मेरे बाण से त्यागे हैं, परंतु फिर भी यदि तुम चाहो तो इस शिकार को मेरे द्वारा दी गई भेंट के रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही इसे रखने की आज्ञा देता हूँ। अर्जुन के वचन सुनकर महादेव मन ही मन प्रसन्न हुए। वे तो आए ही थे अर्जुन की परीक्षा लेने के उद्देश्य से, और अब उन्हें सामने से ही यह अवसर भी मिल गया था। अंततः उन्होंने इस विवाद को बढ़ाते हुए कहा, मूर्ख अभिमानी, क्या तू जानता नहीं है तू किसके समक्ष खड़ा है? संभवतः तुझे मेरी शक्तियों का भान नहीं है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, आज से पहले कभी भी मेरा कोई प्रहार खाली नहीं गया है। अतः इस पशु के प्राण भी मेरे तीर से ही गए हैं। जब भी कभी मैंने बाण चलाया है, सदैव मेरे बाणों ने लक्ष्य का भेदन ही किया है। और तू मुझसे कह रहा है कि इस शिकार को तू मुझे दान में देता है। लगता है तुझे अपने तीरों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास है। किरात का कथन सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, शिकारी, तुम क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो? शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य और स्वर्गीय महाराज पांडु का पुत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूँ। किरात ने कहा, अर्जुन? कौन अर्जुन? मैं किसी अर्जुन वर्जुन को नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये शिकार मेरा है और मेरे बाण लगने से ही ये मरा है। किंतु हाँ, अगर तू शिकार को लेना चाहता है तो मैं स्वेच्छा से ही तुझे इसे दान में दे देता हूँ। जा, तू भी क्या याद रखेगा। किरात के ऐसे वचन सुनकर अब अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा और अंततः अर्जुन ने उन्हें युद्ध की चुनौती दे डाली। लगता है तू इसे नहीं मानेगा, लेकिन अब जल्द ही मैं तेरे इस अभिमान को तुझसे विलग कर दूंगा। मेरे अचूक बाण तेरे इन अभिमानी शब्दों को तेरे अंतिम शब्द बना देंगे।
मैं तुझ पर वज्र के समान भयानक बाण छोड़ूंगा। तू भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझसे जीतने का प्रयास करना। तुझ में जितना भी सामर्थ्य है उतने ही वेग से मेरे ऊपर बाणों से प्रहार कर। अर्जुन ने ऐसा ही किया, परंतु किरात ने अर्जुन द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को विफल कर दिया। अब अर्जुन ने किरात पर और भी भीषण बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन किरात ने खुशी खुशी उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया, किंतु उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं लगी। ये सब देख अर्जुन को बड़ा ही अचरज हुआ। तब उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से अपने क्रोध को जीता और अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर अपनी वाणी को नियंत्रित करते हुए कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस संसार में कर्ण, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, इंद्र और महादेव के अलावा मेरे बाणों को कोई और नहीं सह सकता है। जिस प्रकार से आज मैंने आप पर बाणों की वर्षा की, उनके वेग के आगे पिनाकधारी भगवान शिव के अतिरिक्त कोई और नहीं टिक सकता है। ऐसा कहकर अर्जुन ने किरात रूपी भगवान शिव के आगे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और मौन धारण कर लिया। तत्पश्चात किरात रूपी भगवान शिव ने अपना मूल रूप धारण किया और कहा, हे पराक्रमी, मैं तुम्हारे पराक्रम और धैर्य से बहुत ही संतुष्ट हूँ। वर्तमान समय में तुम्हारे समान कोई दूजा क्षत्रिय नहीं है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ जो तुम्हें रणभूमि में एक अजेय योद्धा बना देंगे। फिर चाहे तुम देवताओं से ही क्यों न लड़ो, विजय तुम्हारी ही होगी। ये पाशुपतास्त्र है, इसके वेग के आगे कोई क्षण भर भी टिक नहीं सकता है। साथ ही साथ मैं तुम्हें उच्च कोटि का गांडीव धनुष भी प्रदान करता हूँ। इस पर अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृपया आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। मैं मन में आपके दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ आया था, किंतु आपसे मेरी भेंट इस प्रकार से होगी, ऐसा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भगवान ने प्रसन्नता से कहा, पार्थ, तुम्हें क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। असल में मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारी मानवीय शक्तियों को देखना चाहता था। मानवीय शक्तियाँ? वो क्या भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। हे वत्स, निश्चित ही ये अस्त्र शस्त्र विनाशकारी है और युद्ध भूमि में कोई भी योद्धा इनके समक्ष पल भर भी नहीं टिक सकेगा। किंतु इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के पास इससे भी घातक अस्त्र शस्त्र है, जिसमें मनुष्य की संकल्प शक्ति, दृष्टि, वाणी और मौन सम्मिलित है। यदि कोई चाहे तो समुचित ढंग से इनका प्रयोग करके न केवल युद्ध भूमि में वरन हर स्थान और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर इनका प्रयोग करके विजय श्री का वरण कर सकता है। आज तुमने उन्हीं मानवीय गुणों का प्रयोग करते हुए उस मायावी को पराजित किया था। सदैव याद रखना वत्स, मौन जो वार कर सकता है उसके आगे तीर और तलवार भी नहीं टिक सकते हैं। और इस प्रकार से महादेव ने अर्जुन को उन देवी अस्त्रों शस्त्रों के अलावा भी मानवीय शक्तियों से परिचित कराया था। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो महादेव का ये कथन आज की परिस्थिति में भी पूरी तरह से सटीक बैठता है। यदि कोई व्यक्ति संकल्प करके सटीक दृष्टि और मधुर वाणी का प्रयोग कर मौन रहते हुए अपने रास्ते पर चलता है, तो निश्चित ही एक न एक दिन वो दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। हम जानते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।